आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने गृह नगर वाटनगर पहुंचे। पीएम अपने स्कूल बीएन हाई स्कूल भी पहुंचे। वहां गाड़ी से उतरकर सबसे पहले उन्होंने स्कूल की माटी को छूकर नमन किया और स्कूल की मिट्टी को अपने माथे से तिलक भी लगाया। इस दौरान स्कूल के सामने भारी भीड़ जुटी हुई थी। गुजरात के वाडनगर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये 2500 साल से जीवित शहर रहा है, आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट सेंटर बनेगा। पीएम ने कहा कि प्राचीन काल में चीनी यात्री वेंग सांग ने भी वाडनगर का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ इसी मिट्टी के संस्कारों की वजह से हूँ। पीएम मोदी के दौरे के चलते वाडनगर रेलवे स्टेशन को सजाया गया। स्टेशन पर चाय की केतली रखकर चाय पर चर्चा का भी आयोजन किया गया। यहाँ मोदी की चाय की दुकान को भी सजाया गया। बता दें कि पूरे स्टेशन की काया पलट होने के बाद भी अभी तक मोदी की चाय की दुकान को वैसे ही रखा गया है। भारतीय वायुसेना के 50वें स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने दिवंगत मार्शल अर्जन सिंह को याद किया और कहा कि हम जान गंवाने वाले जांबाजों को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, सेना के एयरक्राफ्ट को और विकसित किया जा रहा है, साथ ही राफेल लड़ाकू विमान हमारी परिचालन क्षमता को भी मजबूती देंगे। गुजरात में 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड में 11 दोषियों को फांसी बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर गुजरात हाईकोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। बता दें कि साबरमती ट्रेन के S6 बोगी को जलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हुई बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के वसलाड में बीती शाम इतनी तेज बारिश हुई कि मानो कोई तूफान आ गया हो। यहां भारी बारिश की वजह से हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। भारत सरकार के लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह बलिया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी को देश का दुर्भाग्य बताया, तो वहीं जसवंत सिन्हा और अरुण सौरी को बिना जनाधार का नेता बताया। उन्होंने अखिलेश यादव और बॉलीवुड सितारों सलमान खान और शाहरुख खान पर भी कमेंट किया। दुर्भाग्य इस देश का है कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता, लेकिन जसवंत सिन्हा का जवाब जयंत सिन्हा उनके बेटे ने दिया। मैं आज कह रहा हूं, अखिलेश जी बात बनाने वाली सरकार नहीं है, जोगी जी की काम वाली सरकार है। शाहरुख खान, आमिर खान और अंसारी साहब, ये लोग समय समय पर अपने सुविधा के लिए जुबान खोलते हैं। कभी कभी अपनी कार्यशैली में विवादों में आ रही पुलिस का एक दूसरा ही रूप देखने को मिला है। हमारे संवाददाता आशीष शेवहरी ने बताया कि जालौन में पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन और कंप्यूटर के लिए एक विशेष सेल बनाया है, जिसकी मदद से पुलिस इन मोबाइलों को खोजकर उनके मालिकों को वापस दिलाती है। हम लोगों ने अपने यहाँ एक मोबाइल गुमशुदगी के लिए अलग सेल बनाया हुआ है, तो उसमें हमारे लड़के हैं जो काम करते रहते हैं, जो हमारे पास गुमशुदगी पहुँचती है, मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, टाइप की हो, तो उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। हम लोग अभी 17 मोबाइल जो है बरामद किए हैं और इसको आज इसके जो ऑनर्स हैं उनको बांटा गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के 3 दिनों का दौरा कर लौटने के बाद अब 10 अक्टूबर को अमेठी में बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के यहाँ आने की खबर से ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत की। साथ ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इसकी भी घोषणा की। पड्डाल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बेरोजगारी, नोटबंदी और जल्दबाजी में GST लागू करने के मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सपा कार्यकर्ताओं के लिए मुलायम सिंह यादव के परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। दरअसल मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई है। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने इस जीत के साथ ही 3 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। श्रीनगर में अदनान सामी के एक कंसर्ट के सक्सेस को लेकर सामी और उमर अब्दुल्ला ट्विटर पर भिड़ गए। दरअसल श्रीनगर में अदनान का
रिद इन पैराडाइज नाम का एक कंसर्ट था जिसकी कुछ तस्वीरें ट्विटर यूजर्स ने शेयर की थी, जिनमें कुछ सीटें खाली दिख रही थी। इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, उम्मीद है कि अब लोगों ने उन सीटों को भर दिया होगा, ये म्यूजियम की एक शाम उन्हें शांति की ओर ले जा सकती थी। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।